हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021। दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम था ये 19 जून को कंडक्ट किया गया था। हम इसका क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस्ड इन आईटी एक्ट 2000। दोस्तों, 2000 में एक एक्ट आया था जिसे बोला जाता है आईटी अधिनियम। अब ये जो एक्ट था दोस्तों, इसमें कई सारे जो कॉन्सेप्ट थे वो इंट्रोड्यूस किए गए थे। अभी करंट में इंडिया में जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चल रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट आया था जिसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बोला गया। 2000 में आया था। इसमें जो नए नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए गए थे, उनमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल सिग्नेचर, सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों, ये सारी बातें सही हैं इस एक्ट में। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल सिग्नेचर, सर्टिफाइंग अथॉरिटी, मतलब कोई भी पेपर को यदि सर्टिफाई करना है तो उस अथॉरिटी के बारे में भी बताया गया था। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन सेकंड है, ऑक्शन और डायनेमिक प्राइसिंग मार्केट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। दोस्तों, कॉमर्स का एक ऐसा तरीका, वाणिज्य का एक ऐसा तरीका जहाँ पे नीलामी होती है या डायनेमिक प्राइसिंग मार्केट्स होता है, गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार होता है। तो ये इस तरह का जो कॉमर्स रहता है वो किस बिजनेस मॉडल के तहत आता है? B2B, बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स के बीच में होता है। इसके बाद कंज्यूमर टू बिजनेस कॉमर्स होता है या कंज्यूमर टू कंज्यूमर कॉमर्स होता है? दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, ऑक्शन और डायनेमिक प्राइसिंग मार्केट्स जो है वो B2B, मतलब दो बिजनेस के बीच में एक बिजनेस मॉडल, एक कॉमर्स का एक तरीका है। क्वेश्चन थर्ड है, ए इज़ यूज टू ट्रांसमिट डेटा पैकेट्स बिटवीन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। इधर पे चार डिवाइस के नेम बताए गए हैं और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दो कंप्यूटर है और उनके बीच में यदि डेटा पैकेट्स का ट्रांसफर होना है तो इनमें से क्या यूज किया जाएगा? स्विच, राउटर, ब्राउटर या डी गेटवे? दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, राउटर का यूज किया जाएगा। क्वेश्चन फोर है, ए डेटाबेस दैट कंटेन्स द नेम्स एंड एड्रेस ऑफ वेरियस होस्ट ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इंटरनेट पे एक डेटाबेस है जहाँ पे कई सारे जो होस्ट होते हैं उनका पता रहता है, नाम और पता वहाँ पे मौजूद रहता है। ऐसे डेटाबेस को क्या कहा जाता है? डोमेन नेम सर्विस, डोमेन नेम सिस्टम, इसके अलावा DNS फाइल सिस्टम या नन ऑफ दी एबव? दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन इसका बी है, डोमेन नेम सिस्टम कहा जाता है ऐसे डेटाबेस को जहाँ पे वेरियस होस्ट के नाम और एड्रेस रहते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ है, कंज्यूमर फिक्स प्राइस ऑन देयर ओन विच बिजनेस एक्सेप्ट और डिक्लाइन कम्स अंडर विच मॉडल। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कोई भी उपभोक्ता है वो अपने हिसाब से कीमत तय करेगा, ठीक है। अब जो बिजनेसमैन है, कोई भी जो बिजनेस है वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, मना भी कर सकता है। तो इस तरह का जो बिजनेस मॉडल रहता है वो कौन सा रहता है? दो बिजनेस मॉडल, दो बिजनेस टू बिजनेस के बीच में होगा या बिजनेस टू आपका कंज्यूमर होगा, कंज्यूमर टू बिजनेस होगा या कंज्यूमर टू कंज्यूमर होगा? तो ऐसा किस बिजनेस मॉडल में होता है जहाँ पे कंज्यूमर जो रहता है तो फिक्स प्राइस करता है? जाहिर सी बात है, कंज्यूमर जरूर होगा। और जो बिजनेसमैन है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कंज्यूमर टू बिजनेस। दोस्तों, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो फिफ्थ ऑप्शन क्वेश्चन है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल में इस तरह की कंडीशन रहती है। क्वेश्चन सिक्स में पूछा गया है अटल प्रगति पथ। अब ये जो अटल प्रगति पथ है ये किस पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करता है? मंदसौर नीमच रीजन, धार झाबुआ रीजन, मंडला जबलपुर एंड ग्वालियर चंबल रीजन। करेक्ट ऑप्शन डी है, अटल प्रगति पथ जो है ग्वालियर चंबल क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन सेवेंथ पूछा गया है, इन विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ 600 मेगावाट कैपेसिटी इज प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 600 मेगावाट क्षमता का एक प्रोजेक्ट है, सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट। अब बोला जा रहा है कि ये किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, कहाँ पे सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट तैयार किया गया जो 600 मेगावाट उसकी कैपेसिटी है? गांधी सागर, ओमकारेश्वर, अमरकंटक एंड डी बरगी। दोस्तों, जो सेवेंथ है इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, ओमकारेश्वर में 600 मेगावाट का सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन में बोला गया है प्लेयर ऑफ मध्य प्रदेश चिंकी यादव इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स।
क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश से एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है, ठीक है, फीमेल खिलाड़ी हैं चंकी यादव। तो बोला जा रहा है कि ये किस स्पोर्ट से जुड़ी हुई है। दोस्तों ये शूटिंग से जुड़ी हुई है, आप ये बात याद रखिए। चंकी यादव काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है स्पोर्ट्स में, मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई। जो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है, प्लेयर ऑफ मध्य प्रदेश विवेक सागर इज एसोसिएटेड विद दी स्पोर्ट्स ऑफ। क्वेश्चन बोला गया है, मध्य प्रदेश के एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम विवेक सागर है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ये किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो ये विवेक सागर हॉकी से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन में बोला गया है, कैटालिन नोवाक बिकेम दी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो कैटालिन नोवाक है ये फीमेल प्रेसिडेंट बने अभी हाल ही में, किस कंट्री से ये फीमेल प्रेसिडेंट बने हैं। ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्पेन, नॉर्वे। दोस्तों जो 10 है, 10th क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हंगरी है, ठीक है। तो कैटालिन नोवाक फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बने हैं इस कंट्री से। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच वेल्ट द वॉल्केनिक इरप्शन इज मैक्सिमम। दोस्तों जो वॉल्केनिक एक्टिविटी रहती है, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि किस बेल्ट में, किस पर्टिकुलर क्षेत्र में ये वॉल्केनिक जो इरप्शन होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं। तो ये बड़ा ज्योग्राफी का आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो इंडो पैसिफिक है, सरकम पैसिफिक, ठीक है दोस्तों, तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी, मतलब जो पैसिफिक है इसका जो कोस्ट लाइन है पैसिफिक ओशन की, ठीक है, तो वो जो एरिया है वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन सबसे ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन में पूछा गया है कि मर्क्वेट रेंज इन यूएस ऑफ इस फेमस फॉर विच मिनरल। बोला जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में एक रेंज है जिसका नाम मर्क्वेट रेंज है। तो बोला जा रहा है ये किस मिनरल से बिलोंग करती है, यूरेनियम, कॉपर, जिंक, आयरन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, करेक्ट ऑप्शन इसका डी है, जो मर्क्वेट रेंज है वो आयरन ओर से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल हैज ट्रांसफॉर्म्ड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ऑफ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि राजस्थान का जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं वो ट्रांसफॉर्म हो गई हैं, अच्छी हो गई हैं, तो ये किस कैनाल के कारण ऐसा हुआ है, कान्हर कैनाल, रामगंगा कैनाल, शारदा सहायक कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल। क्वेश्चन जो 13 है, करेक्ट ऑप्शन इसका डी है, इंदिरा गांधी कैनाल इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, अमंग दी फॉलोइंग डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स विच वन डज नॉट डिपेंड डायरेक्टली ऑन एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है कि एक ऐसा क्षेत्र जो काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है, ठीक है, और विच वन डज नॉट डिपेंड डायरेक्टली ऑन एग्रीकल्चर। तो ये जो चार ऑप्शन है, जो चारों के चारों डेंसली पॉपुलेटेड है, लेकिन बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा क्षेत्र है जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। लोअर वैली ऑफ रिवर नाइल, जो नील नदी है उसका जो निचली घाटी का क्षेत्र है वहाँ पे। सेकंड ऑप्शन है बी, ईस्टर्न प्लेन्स ऑफ चाइना, ठीक है, तो जो चाइना का पूर्वी जो मैदान क्षेत्र है, ठीक है, क्या वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट नहीं है। थर्ड है जावा आइलैंड, और डी है नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, ठीक है, अमेरिका का जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है। दोस्तों ये जो सभी ऊपर के सारे ऑप्शन है, ठीक है, नाइल रिवर, चाइना का ईस्टर्न प्लेन, जावा आइलैंड, यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत डोमिनेंट है, ठीक है, लेकिन जो यूएसए है तो यहाँ पे डेट्रॉयड वगैरह है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया है। तो नॉर्थ ईस्ट यूएसए का जो रीजन है, 14th का डी ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन में पूछा गया है, आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 121 करोड़, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन इन 2011 सेंसस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि 2011 की जो सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी, तो उसमें बोला जा रहा है कि भारत की जो पॉपुलेशन वो 121 करोड़ है, और 121 करोड़ में से अर्बनाइजेशन इन 2011 का परसेंटेज पूछा गया है, मतलब नगरीकरण का प्रतिशत कितना है, कितने परसेंटेज लोगों का सिटी में रहता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है, 31.15% पॉपुलेशन जो है वो अर्बन सिटीज में रहती है अकॉर्डिंग टू दी 2011 सेंसस। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन में बोला गया है, आर्टिकल 338 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ।
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 338 है वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो 16 का ए ऑप्शन होगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। ठीक है, जो अनुसूचित जातियां होती है उनका जो नेशनल कमीशन है आर्टिकल 338 उससे बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन में बोला गया है हु अमंग द फॉलोइंग कैन इम्पोज द पेनाल्टी अंडर सेक्शन 20 ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। क्वेश्चन 17 में बोला गया है कि आरटीआई एक्ट आया था, ठीक है, 2005 में, सूचना का अधिकार अधिनियम में, तो उसमें बोला जा रहा है कि वो जो पर्टिकुलर एक्ट है उसकी जो सेक्शन है 20, वहां की जो धारा है 20, तो उसके अकॉर्डिंग जो पेनाल्टी है वो कौन लगा सकता है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऑप्शन है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ओनली, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ओनली, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, और डी ऑप्शन है हाई कोर्ट और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। दोस्तों जो 17 है करेक्ट ऑप्शन इसका सी है, सीआईसी और एसआईसी, मतलब आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का जो सेक्शन 20 है उसमें जो पेनल्टी लगाने की जो पावर दी गई है तो वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन भी कर सकता है, वो पेनल्टी लगा सकता है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन भी लगा सकता है। क्वेश्चन 18, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स इट्स रिपोर्ट रिलेटिंग टू अकाउंट्स ऑफ द यूनियन टू। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि भारत का जो नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक होता है, ठीक है, सीएजी जो होता है इंडिया का, वो अपनी जो रिपोर्ट्स होती हैं रिलेटिंग टू अकाउंट्स ऑफ द यूनियन, ठीक है, संघ की जो लेखाएं रहती हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स होते हैं, सीएजी अपनी वो जो रिपोर्ट्स रहता है वो किसके पास सबमिट करता है। ऑप्शन ए है सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, और फोर्थ है नन ऑफ दी एबव। दोस्तों करेक्ट ऑप्शन इसका डी है, नन ऑफ दी एबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड। क्वेश्चन में बोला गया है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन और जो मेंबर्स रहते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या यूपीएससी का चेयरमैन। तो ये इनमें से चारों में से कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी रहती है जो क्या करती है, किसी भी राज्य की जो लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं होती हैं उनके जो चेयरपर्सन और उसका जो बोर्ड रहता है, उसके जो मेंबर्स रहते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है। तो किसी स्टेट का जो गवर्नर रहता है वही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पर्सनैलिटीज रहते हैं, चेयरमैन और जो मेंबर्स रहते हैं उनको अपॉइंट करता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, द डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन ऑफिस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय, मतलब डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन ऑफिस, तो ये कब एस्टेब्लिश किया गया था, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, 18 सितंबर 2015 को ये जो बॉडी है एस्टेब्लिश की गई थी, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन में पूछा गया है द वर्ड टू अवॉइड एंड रिस्पेक्ट यूज्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज कंसर्न टू। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, वहां पे जो आर्टिकल है, अनुच्छेद दिए हुए हैं, वहां पे 51A जो आर्टिकल है उसमें बात की गई है पालन एवं आदर, ठीक है, अवॉइड एंड रिस्पेक्ट, मतलब हम पालन भी करेंगे और रिस्पेक्ट भी करेंगे, आदर भी करेंगे। तो ये किसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 51A में, क्या ये बात कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान से जुड़ी हुई है, क्या ये बात द सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता से जुड़ी हुई है, रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा से जुड़ी हुई बात चल रही है, या द नेचुरल एनवायरनमेंट या प्राकृतिक पर्यावरण से जुड़ी हुई ये बात चल रही है। दोस्तों ये जो बात है
आर्टिकल 51A में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टू अवॉइड एंड रिस्पेक्ट पालन और हम आदर करेंगे, तो दोस्तों हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अवॉइड और रिस्पेक्ट मतलब पालन और आदर करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है कि हमारे संविधान में आर्टिकल 368 सेकंड ठीक है जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसके जो प्रोविजन थे, इसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी, उसके लिए क्या है स्टेट लेजिस्लेचर के समर्थन की आवश्यकता थी। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसा कौन सा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसमें जो स्टेट लेजिस्लेचर्स थे, किस पहला ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसे स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा भी रेक्टिफाइड किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच वॉज रेक्टिफाइड बाई द स्टेट लेजिस्लेचर्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 368(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला संविधान संशोधन, द्वितीय संविधान संशोधन, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट था ठीक है। तो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट था दोस्तों वो एक ऐसा पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसे स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा भी रेक्टिफाइड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन बोला गया है द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड द डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स फॉल अंडर विच ज्यूरिडिक्शन। क्वेश्चन में बोला गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद है तो ये तय करना है केंद्र और राज्य के बीच में कोई डिस्प्यूट की कंडीशन चल रही है तो सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन है वो किस तरह का ज्यूरिडिक्शन के तहत आता है। अपीलेट ज्यूरिडिक्शन मतलब अपीलीय क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन या सलाहकारी क्षेत्राधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिडिक्शन या संवैधानिक क्षेत्राधिकार, या डी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन या मूल क्षेत्राधिकार। दोस्तों जो 23 है करेक्ट ऑप्शन इसका डी है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उसका ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के तहत आता है, मतलब द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल स्टेट के बीच में जो भी डिस्प्यूट होगा तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के तहत आता है सुप्रीम कोर्ट के ये। क्वेश्चन 24 अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 रियल ग्रोथ रेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 इज अज्यूम्ड एज बेस्ड ऑन IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एस्टिमेट्स। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है कि अभी हाल में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 आया, अब फाइनेंशियल ईयर 2022 है तो उसके लिए IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी जो फंड है उसने कितना एस्टिमेट किया है कि ग्रोथ रेट कितने परसेंट रहेगा। क्वेश्चन 24 में ये पूछा गया है, करेक्ट ऑप्शन इसका डी है ठीक है, 24 का डी ऑप्शन करेक्ट है, 11.5 IMF के द्वारा एस्टिमेट किया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में इतना रियल ग्रोथ रेट रहेगा। क्वेश्चन 25 क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मिड डे मील स्कीम है ये कब लॉन्च की गई थी ठीक है। तो दोस्तों स्कूल में डे टाइम में जो भोजन दिया जाता है बच्चों को ठीक है उसे मिड डे मील स्कीम बोला जाता है, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये किस ईयर में लॉन्च की गई थी ये स्कीम। क्वेश्चन 25 करेक्ट ऑप्शन इसका सी है, 1995 में मिड डे मील स्कीम लॉन्च की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव बैगा डेवलपमेंट एजेंसी। दोस्तों जो बैगा ट्राइब है ठीक है, बैगा जो जनजाति है, तो पूछा जा रहा है कि जो बैगा से जुड़ी हुई डेवलपमेंट की जो एजेंसी है ये किस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है ठीक है। डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव बैगा डेवलपमेंट जो एजेंसी, तो किस डिस्ट्रिक्ट में बैगा डेवलपमेंट एजेंसी नहीं है, मंडला, शहडोल, रायसेन, बालाघाट। सी ऑप्शन है, रायसेन में बैगा ट्राइब नहीं है और वहाँ पे ये बैगा डेवलपमेंट एजेंसी नहीं है, बाकी मंडला, शहडोल, बालाघाट इन सारी जगह आपकी बैगा डेवलपमेंट एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेमस पेंटर ऑफ मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे जो भी नाम दिए गए हैं वो सारे पेंटर्स के हैं, उनमें से एक जो पर्सनैलिटी है वो फेमस पेंटर नहीं है, नारायण श्रीधर बेंद्रे, विष्णु चिंचालकर, नाना साहब पांडसे और अमृतलाल बेगड़। दोस्तों जो 27 है नाना साहब पांडसे ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 28 मंधाता
वॉज द एंशियंट नेम ऑफ द विच पिलग्रिमेज सेंटर। दोस्तों क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम मंधाता है, तो ये किस वर्तमान सेंटर का प्राचीन नाम मंधाता है? ऑप्शन ए है कामदगिरी, ओंकारेश्वर, अमरकंटक, महेश्वर। दोस्तों जो 28 है इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, ओंकारेश्वर को प्राचीन जो नाम था या एंशियंट जो नेम था वो मंधाता नगरी कहा जाता था। क्वेश्चन 29, क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन तुर्रा कलंगी फोक ड्रामा इज फेमस। क्वेश्चन में बोला जाता है कि जो लोक नाट्य है तुर्रा कलंगी, तो ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में ये आपका लोक नाट्य फोक ड्रामा तुर्रा कलंगी किया जाता है? मालवा क्षेत्र में, निमाड़ क्षेत्र में, बुंदेलखंड या बघेलखंड? दोस्तों करेक्ट ऑप्शन इसका ए है 29 का, ठीक है, मालवा क्षेत्र। हालांकि ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन नोन एज द फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन नोन एज द फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा जो इंस्क्रिप्शन था, ऐसा कौन सा एक अभिलेख था जिसमें पहली बार वर्ल्ड के लिए एक फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट की तरह काम किया था, फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट ऑफ द वर्ल्ड, तो ऐसा कौन सा इंस्क्रिप्शन या अभिलेख था? ऑप्शन ए है दसपुर इंस्क्रिप्शन, सोहगारा इंस्क्रिप्शन, सूपिया इंस्क्रिप्शन एंड डी है एरन इंस्क्रिप्शन। दोस्तों जो 30 है करेक्ट ऑप्शन इसका ए है, दसपुर में जो अभिलेख है वो वर्ल्ड के लिए फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट या विश्व का प्रथम विज्ञापन के तौर पर उसे जाना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31 है, यहाँ पे दो लिस्ट दी गई है, ठीक है, एक तरफ नेशनल हाईवे दिए गए हैं और एक तरफ आपका सिटीज दिए गए हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले है नेशनल हाईवे 30। दोस्तों ये नेशनल हाईवे 30 है ये आपके जबलपुर से पास होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेशनल हाईवे 39 ये खजुराहो से होकर गुजरता है। नेशनल हाईवे 46 ये भोपाल से होता है और नेशनल हाईवे 44 ये सागर से होता है। तो इसकी जब हम ये पूरी मैचिंग करेंगे सी ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 32, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट इज आर नॉट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्वेश्चन 32 में बोला जा रहा है कि ये जो मध्य प्रदेश के जो एयरपोर्ट्स हैं इनमें से कौन से ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, खजुराहो, ग्वालियर। क्या चौथा सही है, क्या तीसरा सही है, क्या तीसरा और चौथा सही है, क्या पहला दूसरा सही है? दोस्तों करेक्ट ऑप्शन सी को माना गया है अकॉर्डिंग टू MPPSC, खजुराहो और ग्वालियर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस एंड डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश इज नॉट एसोसिएटेड विद थर्मल पावर स्टेशन। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो चारों नाम दिए गए हैं, ठीक है, और उनकी सिटीज दी गई हैं, तो बोला जा रहा है इनमें से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन नहीं है? सारणी, बैतूल, अमरकंटक, अनूपपुर, वीर सिंहपुर, उमरिया, डोंगलिया मुंडी, खरगोन। दोस्तों ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, डोंगलिया मुंडी खरगोन क्षेत्र ये थर्मल पावर स्टेशन क्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन 34, विच ऑफ दी फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। दोस्तों एक तरफ क्या है कि इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, सिंचाई परियोजना दी गई है और दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, तो ये मैच करना है कि इनमें से कौन सा जो पेयर है वो सही नहीं है। बरगी प्रोजेक्ट जबलपुर, तवा प्रोजेक्ट होशंगाबाद, ये सही है, बरगी भी जबलपुर में है, तवा होशंगाबाद सही है। मैं इसके बाद मटियारी डैम मंडला ये भी सही है। बारना घाटी प्रोजेक्ट उज्जैन, दोस्तों ये गलत ऑप्शन है, बारना घाटी प्रोजेक्ट उज्जैन में नहीं है। क्वेश्चन 35 में बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और बोला गया है कि इनमें से हमें करेक्ट फाइंड करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला लिखा हुआ है कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन मालवा प्लेटो ऑफ मध्य प्रदेश। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश का जो मालवा पठार वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे जो कॉटन मिल्स हैं वो एस्टैब्लिश की गई हैं, ठीक है दोस्तों ये सही बात है। सेकंड बोला गया है मालवा प्लेटो इज कवर्ड विद ब्लैक सॉइल, ठीक है, तो दोस्तों ये बात भी सही है, वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण ये आपका मालवा प्लेटो फॉर्म हुआ था और यहाँ पे
इग्नस रॉक्स हैं तो ब्लैक सॉइल मिलती है। दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 36, क्वेश्चन में पूछा गया है डिस्ट्रिक्ट विच हैज मिनिमम सेक्स रेशियो इन मध्य प्रदेश, तो ऐसी डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा गया है यहाँ पे जो सेक्स रेशियो है वो मिनिमम हो मध्य प्रदेश में। बालाघाट ध्यान रखिएगा दोस्तों, जहाँ पे जो सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है, और जो भिंड है यहाँ पे सेक्स रेशियो सबसे कम है। करेक्ट ऑप्शन सी है। मध्य प्रदेश हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश को एग्रोक्लाइमेटिक जोन के अकॉर्डिंग कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। कहने का मतलब यह है कि मध्य प्रदेश को यदि कृषि के हिसाब से बांट दें, कृषि जलवायु क्षेत्रों के हिसाब से बांट दें तो कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं। 37 दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 11 ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें एग्रोक्लाइमेटिक जोन माना जाता है मध्य प्रदेश के लिए। क्वेश्चन 38, क्वेश्चन में बोला जा रहा है BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, तो ये जो कंपनी है इसको महारत्न स्टेटस कब दिया गया था, किस ईयर में दिया गया था, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। और करेक्ट ऑप्शन सी है, 2013 में इसको महारत्न कैटेगरी में डाल दिया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी लोकेटेड। 39 पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी या ट्राइबल जो विश्वविद्यालय है इंदिरा गांधी, तो किस पर्टिकुलर सिटी में इस्टेब्लिश किया गया है, लोकेटेड है, महेश्वर, अमरकंटक, मुरैना या दतिया। अब ये बात ध्यान रखिएगा, अमरकंटक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे महात्मा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया है। क्वेश्चन 40, कॉपर प्रोजेक्ट ऑफ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन एज कॉपर सिटी ऑल्सो, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी सिटी है, ठीक है, जहाँ पे कॉपर सिटी के नाम से बोला जाता है, ठीक है, और वहाँ पे कॉपर प्रोजेक्ट, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट भी चल रहा है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन है आपका, जगंधरी, चकरिया, इमलिया, सॉरी मलाजखंड, तो ये चार ऑप्शन है दोस्तों। और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपको पता होगा मलाजखंड, ठीक है, ये पर्टिकुलर जो एरिया है यहाँ पे आप कॉपर का प्रोडक्शन होता है। इसके बाद क्वेश्चन 41, विथ विच मिसल बस रंजीत सिंह रिलेटेड, तो दोस्तों सिख धर्म में रंजीत सिंह के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस मिसल से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो दोस्तों इनका जो सिख धर्म था ये कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गया था एक पर्टिकुलर समय पे, उसे मिसल करके बोला जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो रंजीत सिंह भाई साहब थे ये किस मिसल से बिलोंग करते थे, तो ठीक है, आहलूवालिया मिसल, इसके बाद डलेवालिया, कन्हैया, सुकर चकिया, तो दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट है, सुकर चकिया मिसल से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन 42, हु वाज द प्रिंसली पोर्टफोलियो इन द नेशनल प्रोविजनल गवर्नमेंट, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जब देश आजाद हुआ तो उस समय इंतरिम गवर्नमेंट बनी थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी, नेशनल प्रोविजनल गवर्नमेंट, तो उसमें रियासतों का जो एक विभाग था, प्रिंसली पोर्टफोलियो था, तो ये किसको दिया गया था, बीपी मेनन, वल्लभ भाई पटेल, कृष्णा शाही एंड राजगोपाली, दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो रियासतों का विभाग था दिया गया था, पटेल जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इन्होंने ही जो यूनिफिकेशन किया था, कई सारी जो रियासतें थीं उनको भारत में जोड़ा था, इस कारण गुजरात में इनकी सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गई है जिसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बोला जाता है। क्वेश्चन 43, हु कॉल्ड द कांग्रेस कॉन्फ्रेंस एज द एनुअल नेशनल फेस्टिवल ऑफ एजुकेटेड इंडियन, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में बनी थी, ठीक है, और दोस्तों जो इनकी मीटिंग होती थी तो किसी एक पर्टिकुलर लीडर ने इनकी जो नेशनल मीटिंग, जो ईयरली जो मीटिंग होती थी, तो उसके बारे में एक पर्सनैलिटी ने कमेंट किया था कि यह शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला है, एनुअल नेशनल फेस्टिवल ऑफ एजुकेटेड इंडियन, ठीक है, तो ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया था, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, करेक्ट ऑप्शन है लाला लाजपत राय। क्वेश्चन 44, फ्रॉम विच आश्रम डिड महात्मा गांधी स्टार्ट दी दांडी मार्च, क्वेश्चन बोला गया है कि महात्मा गांधी ने जो दांडी यात्रा की थी तो वो अपने किस आश्रम से शुरू की थी, साबरमती, पवनार, सेवाग्राम या रामादनिया, ठीक है, तो ये हमें बताना है,
रामा नंदिया। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन ए है, साबरमती से ये यात्रा शुरू की गई थी। क्वेश्चन 45, विच वॉज दी फर्स्ट स्टेट टू बी मर्ज अंडर डलहौजीज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। दोस्तों भारत में जो वायसराय आ रहे थे तो उनमें से एक वायसराय आया था डलहौजी, ठीक है, और ये 1857 की क्रांति से पहले आया था, आपका 1840-45 के टाइम पे लगभग ये था। तो इसने एक कंडीशन लगा दी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, चूक का सिद्धांत, हड़प का नीति। तो उसमें इन्होंने बोल दिया कि जिन रियासतों में राजा रानी का कोई बच्चा नहीं है और सपोज करिए राजा की डेथ हो जाती है तो वो उस ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में उसको मिला लिया जाएगा, ब्रिटिश की वो प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो इसी को बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इसने कई सारी जो रियासतें थी उनको इसी नाम पे हड़प लिया था। अब बोला जा रहा है कि ऐसी कौन सी पहली रियासत थी तो जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत डलहौजी ने हड़प लिया था, ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया था, वो पहली रियासत थी सतारा, ठीक है। सबसे पहले सतारा हुई थी, फिर जैतपुर हुई थी, संबलपुर हुई थी, फिर झांसी हुआ था। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में रिवोल्ट कर दिया था, क्रांति कर दी थी। यहाँ करेक्ट ऑप्शन सतारा है, पहली रियासत सतारा थी। क्वेश्चन 46, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है ये कौन से भारतीय राज्य में है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है। बहुत फेमस टाइगर रिजर्व है, उत्तराखंड में है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्वेश्चन 47, एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य से जुड़ी हुई संस्था है जिसे बोलते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बोला जा रहा है कि कब स्टैब्लिश की गई थी, 5 मई 1951, 10 जून 1950, 7 अप्रैल 1948 और 10 जुलाई 1949। करेक्ट ऑप्शन सी है, 7 अप्रैल 1948 को इसको स्टैब्लिश किया गया था। क्वेश्चन 48, क्वेश्चन में बोला जा रहा है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ इसरो, इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ये हमारे देश का एक ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लोग क्या है, स्पेस में, ठीक है, अंतरिक्ष में अपने मिशन भेजते रहते हैं। आपने नाम सुने होंगे चंद्रयान, चंद्रयान टू, मंगलयान, ठीक है। तो इसका पूरा नाम पूछा गया है, तो दोस्तों ये करेक्ट ऑप्शन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, राइट। क्वेश्चन 49, क्वेश्चन 49 बोला गया है विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली रेडियो टैग्ड एन इंडियन पेंगोलिन ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड पेंगोलिन डे। दोस्तों एक एनिमल होता है न्यूले जैसा होता है कुछ कुछ, जैसे इंडियन पेंगोलिन बोलते हैं, तो ये क्या है कि वर्ल्ड पेंगोलिन डे मनाया जा रहा था, तो उस दिन इंडियन जो पेंगोलिन थी ये किसी पर्टिकुलर स्टेट में मिली और वहाँ पे उसकी रेडियो टैगिंग की गई, ठीक है, उसकी बॉडी पर डिवाइस लगा दिया गया, ठीक है, जिससे डिटेक्ट किया जा सके इसका मूवमेंट। तो ये कहाँ पर किया गया, केरला, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, करेक्ट ऑप्शन बी है, ठीक है, मध्य प्रदेश में ऐसा किया गया। क्वेश्चन 50, क्वेश्चन 50 में बोला जा रहा है फॉस्फेटेज टेस्ट इज यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ, मतलब जो फॉस्फेट का टेस्ट होता है ये किस चीज़ के एनालिसिस के लिए किया जाता है, दूध, चाय, पानी या सभी। ये ऑप्शन करेक्ट है, दूध के लिए ये टेस्ट किया जाता है। दोस्तों ये वीडियो हम दो पार्ट में पूरा करेंगे, ये इसका पार्ट ए है, जल्दी इसका दूसरा पार्ट आएगा जहाँ पे हम इसका जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है इस प्रीलिम्स के पेपर के वो हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, थैंक यू, थैंक यू, स्टे कंटिन्यू, थैंक यू वेरी मच।